हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। आप देख रहे हैं युवा नहीं है लाइफ हैक्स। जल्दी से मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियोस के अपडेट्स आपको मिलते रहे। तो गाइज, आज मैं आपके लिए एक प्रोडक्ट लेकर आई हूँ, क्योंकि अमेजोन सेल और बाकी ऑनलाइन साइट्स में सेल चालू होने वाली है, तो होप आप लोग भी कुछ ना कुछ खरीदने की सोच रहे होंगे। तो आज मैं आपके लिए एक ऐसा गैस स्टोव लेकर आई हूँ जो कम रेंज में बहुत अच्छी क्वालिटी का है, और मैं लास्ट 3 ईयर से उसे यूज़ कर रही हूँ, और ये मैंने अमेजोन से ख़रीदा था सेल के टाइम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, प्रोडक्ट को शो करती हूँ और इसके बारे में आपको बताती हूँ। तो गाइज, ये है एलिका का गैस स्टोव, 3 बर्नर गैस स्टोव है ये, और टफन ग्लास का है ये। देखिए, इसके 3 नॉब हैं इसके साथ। फर्स्ट वाले का ये नॉब है, सेकंड वाले का ये नॉब है, और थर्ड वाले का ये नॉब है। और इसमें 2 बर्नर मीडियम टू लार्ज फ्लेम पर है, और एक स्मॉल वाला बर्नर है। मतलब ये वाला जो बर्नर है ये लार्ज है, ये स्मॉल है, और ये मीडियम है। इन तीनों में काफ़ी अच्छी डिस्टेंस है, लेकिन आप अगर यहाँ पर 5 लीटर की कढ़ाई रखेंगे, 5 लीटर का कुकर रखेंगे, तो यहाँ बहुत छोटी जगह रह जाती है। तो इसमें आप बिल्कुल छोटा सा बाउल या छोटा सा चीज़ ही रख सकते हैं। बाकी आप अगर 2 बर्नर यूज़ कर रहे हैं, तो इसमें काफ़ी बड़े बड़े बर्तन ईजीली आप यूज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छा स्पेस है। तो गाइस, इसके साथ ये वाला स्टैंड आता है, और ये शायद एल्युमिनियम का, या मुझे पता नहीं है इस मेटल को क्या बोलते हैं, ये था येलो कलर का था, लेकिन ये अब 3 ईयर हो गए हैं मुझे यूज़ करते हुए, तो मैं इसे 3 ईयर से यूज़ कर रही हूँ, तो इसलिए ये ब्लैक हो गया। और एक ये स्टैंड आता है, तो जिससे कि ये स्टैंड इसलिए जिससे कि कोई भी प्रोडक्ट या जो भी आप कुछ बना रहे हैं वो अगर गिरता है तो वो इसी कॉर्नर में आता है, नीचे नहीं जाता। आपको ये बहुत अच्छा क्वालिटी का है एलिका का 3 बर्नर, और ये मुझे 2700 में सेल में मिला था। शायद अभी इसकी कॉस्ट 3300 या फिर अराउंड 3100 में, तो 3000 के आसपास की होगी, 3000 के अराउंड होगी, लेकिन ये मुझे सेल में 2700 का पड़ा था। लास्ट 3 ईयर से मैं इसे यूज़ कर रही हूँ, कोई भी कमी नहीं है इसमें, कोई भी शिकायत आज तक नहीं मिली। प्रिस्टीज का टफन ग्लास की एक तो वो कॉस्टली होता है गैस स्टोव, और साथ ही उसमें बहुत कंप्लेंट्स मैंने फेस करी थी, साथ ही इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है जब ये आप कोई भी टफन ग्लास के प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, तो जब वो आप खाना बना रहे हैं तो वो गर्म हो जाते हैं, तो उस गर्म प्रोडक्ट पर आप अगर उसको साफ़ कर रहे हैं तो आप उसे या तो ठंडा होने दें या सूखे कपड़े से उसे साफ़ करें, क्योंकि सीधे से गर्म चीज़ पर ठंडी चीज़ आएगी तो क्रैक होने का डर रहता है। वैसे ये तो रफ़ एंड टफ है, मैं बहुत रफली यूज़ करती हूँ, तो मुझे बिल्कुल भी कोई शिकायत नहीं मिली इसमें। और सबसे टफन एंड ग्लास की ये बात होती है कि ये बहुत आसानी से क्लीन हो जाता है, बहुत साफ़ सुथरा दिखता है, और इसमें मेहनत भी कम लगती है साफ़ करने की। बस ये है कि आप अगर इसमें वो बाटी ओवन वगैरह, या फिर आप बड़े बड़े कुकवेयर यूज़ करते हैं, तो आपको इसके साथ में ऑनलाइन एक स्टैंड भी मिलता है जिसकी हाइट काफ़ी ज़्यादा होती है। इस स्टैंड की हाइट काफ़ी कम है, लेकिन जो बड़े बड़े स्टैंड आते हैं बाटी ओवन वगैरह के लिए, उनकी हाइट इतनी रहती है जिससे कि जो आँच होगी वो पूरी तरीके से ऊपर की तरफ आएगी, ना कि नीचे की तरफ आएगी, तो जिससे कि आपका स्टोव बचा रहेगा। तो आप होप यू लाइक माई वीडियो। आपको अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। जल्दी से मैं और प्रोडक्ट्स लेकर आऊँगी आप लोगों के लिए। ये एलिका मुझे अभी तक का बेस्ट प्रोडक्ट लगा। मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट्स देखे थे, लेकिन इसमें अभी तक 3 साल के अंदर मुझे कोई कंप्लेन नज़र नहीं आई। साथ में इसकी कॉस्ट भी मुझे काफ़ी अच्छी लगी। तो चलिए, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।